नमस्ते इंडिया के दर्शकों को, वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गौरव की। मध्य प्रदेश की बात आते ही सबसे पहले नजर आता है चित्रकूट, चित्रकूट की गुफाएं, ओंकारेश्वर, महाकाल की धरती। महाकाल आध्यात्मिक जगत से काल को जानने के लिए, काल की अवधारणा को पहचानने के लिए है। इसी तरह समूचा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं से प्रकृति पोषित, पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। और आज मध्य प्रदेश प्रगति के कई सोपान चढ़ चुका है, कई सोपान पर धीरे धीरे ही सही, शनै शनै ही सही आगे बढ़ रहा है और हमें सांस्कृतिक वैभव से जोड़ रहा है, सांस्कृतिक उत्स से जोड़ रहा है। तो आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा जी से। आप एक लेखिका हैं और इस समय मध्य प्रदेश की अपर मुख्य सचिव हैं, तो आप मध्य प्रदेश के उस गौरव को किस दृष्टि से देखती हैं? नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से लीजिए, आप ज्योतिर्लिंग दो ले लीजिए कि वो ऐसा एक राज्य है जहाँ दो ज्योतिर्लिंग है, पूरी नर्मदा नदी बहती है। आपके यहाँ खजुराहो से लेके हर तरह के मंदिर हैं एक से एक बढ़कर, तो ये अध्यात्म वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। और शासन ने ये सुनिश्चित कराया है कि ये जो स्थान है वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएँ हों कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शनार्थी वहाँ आते हैं उसको इसका लाभ मिले, साफ सफाई पूर्णता रहे। जैसा कि आपने देखा होगा कि नर्मदा नदी के पूरे किनारे नरेगा के अंतर्गत प्लांटेशन का काम लिया गया है, तो उसको हरित चुनरी के नाम से लिया गया है कि पूरा एक हरी रंग की चुनरी पूरे नर्मदा के दोनों किनारों पे बने, हरा भरा करने का एक प्रयास, पूरा हरा भरा करने का प्रयास है। तो उससे ना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और उस क्षेत्र का विकास भी होता है। नर्मदा नदी के साथ साथ वहाँ का जो खजाना है उसको लेकर के भी बातें जोड़ी जाती है। बिल्कुल सही है कि वो तो प्राणदायी है, चाहे इरिगेशन डैम्स हो, चाहे पावर जनरेशन प्लांट्स हो, तो उसमें नर्मदा नदी का तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और ऐसी पेरिनियल नदी है जो हिमालय से नहीं निकली हुई है, फिर भी बारहमासी नदी है। तो इस तरह की जो ये उत्कृष्ट नदी है, एक लाइफलाइन है, उसका पूरा पूरा सोपान, पूरा पर्यावरण की रक्षा करते हुए किस तरह बनाया जाए, यह मध्य प्रदेश शासन ने बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से दिखाया है। और साथ साथ यह भी जोड़ा है कि एक ग्रामीण को एक ऐसी कूद मिले जिंदगी में। तो जैसे मध्य प्रदेश राज आज एक बैकवर्ड स्टेट की तरफ से डेवलपिंग स्टेट की तरफ आ गया है, और उसके पीछे कारण यह है कि प्रत्येक गांव की जो मूलभूत सुविधाएं, वो सुविधाएं उनको दी गई हैं। तो आज गांव का व्यक्ति घर से बाहर कदम रखता है तो कीचड़ है, सड़क नहीं है, तो आज ये व्यवस्था की गई है कि घर से निकलते ही उसके घर के सामने बढ़िया से सीमेंट कंक्रीट रोड बनाई गई है, जिसके दोनों तरफ नाली की व्यवस्था है। ये पंच परमेश्वर कार्यक्रम में ली गई है, इसमें कन्वर्जेंस किया गया है नरेगा और राज्य शासन की पंचायत की योजनाओं का। वहाँ से आप गांव से बाहर निकलो तो सड़क चाहिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना में 500 की और 250 ट्राइबल एरियाज़ की आबादी तक सड़क बनाने का प्रावधान है, परंतु फेस्ड मैनर में है, तो उसको बरसों लग रहे हैं। तो 250 के नीचे की जितनी आबादी है या 500 के नीचे की जितनी आबादी है उसे मुख्यमंत्री सड़क योजना से जोड़ दिया जा रहा है। तो गाँव का आदमी अगर घर से निकलता है तो वह सीधा सरपट अपने गंतव्य स्थान, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, दार्शनिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, आराम से पहुंच सके। ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की धरती में तीज त्यौहार, उत्सव पर्वों का ठाट रहता है और वहाँ इन सब को मिला करके जो जिंदगी है और गाँव की जो जिंदगी है अब पहले से कहीं अधिक भावनात्मक जुड़ाव से, अलग तरह से जुड़ रही है, ऐसा नहीं लगता? 313 में से 89 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक्स हैं, और इनमें उनका जिंदगी देखो तो पूरा उत्सव त्योहारों से जुड़ा है। इनके बाहर निकलो तो भी उत्सव त्योहारों से जुड़ा हुआ है, परंतु आज कहते हैं ना कि मॉडर्निटी के सारे जो अच्छाइयाँ हैं उसको लेते हुए अपने कल्चर को यथावत रखना, ये एक जो चैलेंज है वो मध्य प्रदेश में बहुत ही बखूबी से निभाया जा रहा है। भोपाल के बारे में एक कहावत है कि तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब ताल तलैया। उसकी एक पहचान है महाराजा भोज से, उस विराट व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही है। तो उस विराट वैभव से जुड़ करके पूरी सांस्कृतिक वैभव को अगर हम जोड़ें और आज जो विकास का क्रम वहाँ हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान एक बन रही है, उन सबको मिला करके आप अपनी दृष्टि से और एक कलात्मक वैभव के साथ एक लेखक का की, एक लेखिका की दृष्टि से आप क्या कहें? मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग हमेशा कहता है कि हम भारत का हृदय है,
वो फिज़िकल लोकेशन के अलावा भी आप अगर देखोगे तो वो एक ऐसा सेंट्रल प्लेस है जहाँ एक बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हब के रूप में वो उभर रहा है। और वहाँ का विकास, उसकी नली सड़कें हैं, उसकी नली इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है, उसकी नली वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और आपने देखा होगा कि सबसे उत्कृष्ट गेहूँ शरबती मध्य प्रदेश में होता है, अब बासमती भी उगाने लग गए हैं, और उसके अलावा जो सबसे अच्छा आलू है हिंदुस्तान का वो भी मध्य प्रदेश में होता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में होती है। फिर आप देखोगे तो मेथी भी उगती है, मिर्ची भी उगती है, धनिया सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश उगाता है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ जिन जिन राज्यों से जुड़े हैं वहाँ का खान पान भी मध्य प्रदेश में आ चुका है। तो ये सब तरफ से एक ऐसी मिश्रित वहाँ की संरचना है कि विकास के सोपान के साथ साथ ये मिश्रित संरचना अगर आगे बढ़ेगी तो आप स्वतः देखोगे कि इससे एक नया ही अनुभव जो भी मध्य प्रदेश में आता है उसको मिलता है। पंचमढ़ी के क्षेत्र हो या होशंगाबाद का क्षेत्र हो, रेशम के उद्योग ने जो जिस तरह से अपनी पैठ बनाई है, जिस तरह से अपनी पहचान को एक दो चार कदम बढ़ा करके अपनी एक नई पहचान दी है, उससे ये लगता है कि दूसरे प्रदेशों की तरफ हमारा रेशम का उद्योग भी आगे बढ़ रहा है, रेशम के कीट पालन का उद्योग बढ़ रहा है। तो इस संरचना में, इस क्षेत्र में जो हरित क्रांति से जुड़ा ये भी एक पार्ट है, जिसमें ये मध्य प्रदेश शासन के तौर पर और गांव समाज की तरफ से क्या कुछ हो रहा है। जंगलों का टसर का रेशम और शहतूत से बनाने वाला रेशम, ये दोनों तरह के रेशम बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, परंतु इसका उत्पादन उतना नहीं है जितनी मध्य प्रदेश की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में वीविंग बहुत ही बढ़िया, चाहे चंदेरी का हो चाहे महेश्वरी का हो, और इस तरह की अपनी विशेष पहचान उनकी वीवर्स और वीविंग स्टाइल्स में है। तो इन सब का जो उत्पादन है, इन सब से जो जुड़े हुए हैं, और यदि आप कभी इनको बुनते हुए देखो तो इनके जो गाने हैं और जो जिस तरह से वो उनका डिज़ाइन का पैटर्न उसको एक गाने के रूप में रखते हैं, ये वाकई एक अनुभव लेने वाली बात। आज जो है हमारी इन सब चीज़ को मिला लिया जाए, सारी जो प्रगति के तमाम सोपान इन सब को मिला करके अगर देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश की जो है सांस्कृतिक वो किस तरह से उभर करके सामने आ रही है, जिसको हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ सकें। अगर पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनानी है या दुनिया में पहचान बनानी है तो सबसे ज़रूरी एक्सेस और कनेक्टिविटी है कि वहाँ तक पहुँचे कैसे लोग। तो इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने सड़कों पे बहुत जोर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, तीन तरह की कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं, एक सड़क की, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी इंटरनेट हर पंचायत में पहुंचा के, और एक विशेष रूप से बैंकिंग कनेक्टिविटी। हर 5 किलोमीटर में मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जो बैंकिंग की सुविधा दे रहा है। तो इस तरह से तीन तरह की कनेक्टिविटी देने से वहाँ तक सबकी पहुँच बन जाएगी, जो मध्य प्रदेश को जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसकी अनुभूति ले सकते हैं और उसकी जो विशिष्ट पहचान है उसको ज़िंदगी भर याद रख सकते हैं। डॉक्टर अरुणा शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को और नमस्ते इंडिया के विशेष रूप से देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों के लिए मध्य प्रदेश के गौरव से जुड़ करके तमाम बातें सामने रखी, आपको अपनी ओर से और तमाम दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते इंडिया के सभी दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कभी आप अपनी ट्रैवल की योजना बनाएं तो मध्य प्रदेश को उसमें जरूर शामिल करें, उसकी विकास यात्रा को अनुभव करें, उसकी पुरानी संस्कृति को आप अनुभव करें, वहाँ की अच्छाइयों को आप अनुभव करें और वहाँ के जो विशाल स्वरूप है उसको अनुभव करें। चाहे ताल हो, उतना बड़ा तालाब आपने कभी देखा नहीं होगा, उतने बढ़िया जंगल आपने शायद देखे नहीं होंगे, उतनी विकास की तेज द्रुत गति आपको अनुभवित होगी और उतना ही अच्छा मंदिरों की व्यवस्थाएं और ये सब आपको वहाँ देखने मिलेगी। तो आप सबका स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का जो अनुभव आप देखेंगे उसको आप जीवन भर याद रखेंगे।